हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंस्टेंट डोसों की रेसिपी शेयर करूंगी जो फ्रेंड बहुत ही लजीज और बहुत ही उम्दा बन के तैयार होते हैं और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। इनमें कोई टाइम भी नहीं लगता। जब भी आपका डोसे खाने का मन हो तो आप डोसों को बनाकर खा सकते हो। इसी के साथ मैंने एक स्पेशल चटनी बनाना आपको बताया जिससे कि इन डोसों में चार चांद लग जाएंगे। इस चटनी से फ्रेंड देख लेने के इंस्टेंट इन डोसों को मैंने किस तरीके से बनाया। इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने एक कप सूजी ले ली। सूजी आप बारीक या मोटी कोई सी भी ले सकते हैं क्योंकि सूजी को हमें ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करने के लिए मैंने ले लिया मिक्सी का जार। सारी सूजी जार में ऐड कर दें। इसी के साथ ही फ्रेंड्स मैंने लिया एक टेबल स्पून बेसन, एक टेबल स्पून भर के लिया मैंने आटा। ये वही आटा है जो हम रोटियां पकाते हैं। ये ऐड कर दीजिए। चक्कर लगा कर फ्रेंड्स सबको ग्राइंड करना। ये देखो फ्रेंड्स, सूजी का मैंने पाउडर बनाकर तैयार कर लिया। मैंने थोड़ा दरदरा ही पाउडर बनाया है, फाइन पाउडर बनाकर तैयार नहीं किया। थोड़ा सा दरदरापन होना चाहिए पाउडर में। सारी सूजी का पाउडर फ्रेंड्स बाउल में ट्रांसफर करना इस तरीके से। इसमें आप फ्रेंड्स 5 से 6 डोसे बनाकर तैयार कर सकते हो। आधा कप लिया मैंने दही ऐड कर देता है। दही आप 2 दिन पुराना भी ले सकते हो। इसी के साथ फ्रेंड्स लिया मैंने आधा टीस्पून नमक, आधा कप लिया मैंने पानी, पानी ऐड कर दे। सबको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि सूजी में एक भी लम्स ना रहे। सूजी और दही को फ्रेंड्स मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया। सूजी का बैटर हमारा बनकर तैयार है। बैटर को भी उठाते 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। तब तक सूजी के बैटर को फ्रेंड्स मैंने रेस्ट पे छोड़ दिया। जब तक हम मजेदार चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं तो उसके लिए 1 टेबल स्पून भर के लिए मैंने भुने हुए चने। अगर आपके पास फ्रेंड्स भुने हुए चने ना हो तो थोड़ी सी चने की दाल रोस्ट करके भी ले सकती हो। 2 टेबल स्पून लिए मैंने भुनी मूंगफली, ऐड कर देते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा फ्रेंड्स लिया मैंने हरा धनिया, 3 टेबल स्पून लिया फ्रेंड्स मैंने नारियल का बुरादा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चटनी में। ये ऐड कर दे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 लिए फ्रेंड्स मैंने हरी मिर्च, इस तरीके से आप तोड़कर ऐड कर दे तीखेपन के लिए। 1 टेबल स्पून लिया फ्रेंड्स मैंने पुदीना, मेरे पास सूखा हुआ पुदीना था तो मैंने इसका इस्तेमाल किया। आपके पास फ्रेश हो तो उसका इस्तेमाल कर ले। 2 टेबल स्पून लिया फ्रेंड्स मैंने दही। दही डालने से भी चटनी का फ्लेवर इनहेंस होकर आता है, तो आप जरूर से ऐड करें। थोड़ा सा पानी डालकर चटनी पीस लें। ये देखें फ्रेंड, मजेदार चटनी पीस कर मैंने तैयार कर ली है। चटनी को बाउल में निकाल लें। चटनी का टेस्ट इनहेंस करने के लिए फ्रेंड्स चटनी में तड़का लगा लेते हैं, तो उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल गर्म कर लिया। आधा टी स्पून जीरा ऐड कर दें ऑयल में। आधा टी स्पून लिए फ्रेंड्स मैंने राई, ऐड कर देते हैं। 2 लिए मैंने सूखी लाल मिर्च, ऐड कर दें। थोड़ा सा चटकने दें इस तरीके से फ्रेंड्स। अगर आपके पास करी पत्ता हो तो उसका इस्तेमाल करना, मेरे पास है नहीं तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया। सबको कर लेते हैं चटनी में मिक्स। ये देखें बहुत ही मजेदार और शानदार चटनी बनकर ये हमारी तैयार है। चटनी को उठाकर साइड रख दें। सूजी के बैटर को रखा हुआ है फ्रेंड्स 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें सूजी का बैटर अभी बहुत गाढ़ा है, हमें थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में चाहिए जिससे कि डोसे हमारे बहुत ही अच्छे से बन सके। इसके लिए लिया मैंने आधा कप पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर दें और मिक्स करते हैं। डोसे का बैटर बनाते फ्रेंड्स मैंने तैयार कर लिया। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो बैटर की, इसी तरीके का होना चाहिए जिससे कि डोसे हमारे आराम से फैल जाए। फ्रेंड्स मैंने लिया इनो का सेस, ये ऐड कर देता है पूरा पैकेट। अब अगर आपके पास फ्रेंड्स इनो ना हो तो बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करना। सबको कर लेते हैं मिक्स अच्छे से। ये देखें डोसे का बैटर बनकर हमारा बिल्कुल तैयार है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। डोसा बनाने के लिए फ्रेंड्स ले लिया मैंने पैन। पैन में थोड़ा सा ओवन ग्रीस कर दें इस तरीके से और पैन को गर्म कर लें अच्छे से। पैन हमारा फ्रेंड्स अच्छे से गर्म हो चुका है। थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर लें पैन पर जिससे कि टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाए और कपड़े से पोंछ लेते हैं। 1 कप की भरकर फ्रेंड्स डोसे का बैटर ले लें और इस तरीके से तवे पर फैला लें। गैस का फ्लेम फ्रेंड्स इस वक्त मीडियम रखे जिससे कि डोसा हमारा जले नहीं। डोसे को फैलाने के बाद फ्रेंड्स गैस का फ्लेम हाई कर लें। ऊपर से डोसा सूखा सूखा हो जाए तो ऑयल लगा लेते हैं इस तरीके से। हाई फ्लेम पर पैन को घुमा घुमा कर डोसे को सेकना है इस तरीके से। इस पॉइंट पर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी जरा सी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी जाएं फॉलो करें। इस तरीके से फ्रेंड्स हम चावल के डोसे बनाते हैं, इसी तरीके से हमें डोसे बनाकर तैयार करना। फिर मैं डोसे पे बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है, हम निकाल लेते हैं। ये देखें बहुत ही आसानी से डोसा निकल गया है हमारा
आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्प और करारा डोसा बनकर तैयार हुआ है। ये इंस्टेंट आप इस तरीके से डोसे बनाकर खा सकते हो। मैं आपको दूसरा बनाकर दिखाती हूँ। थोड़ा सा फ्रेंड्स ऑयल डाल तवे पर, अब पानी स्प्रेड कर दें। पैन का टेम्परेचर लो होता है, थोड़ा सा भून लेते हैं। कप की भरकर डोसे का बैटर ऐड कर दें और फैला लें इस तरीके से। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स डोसे को बनाना, और जब भी आपका दिल करे डोसे खाने का अच्छी तरीके से आप बनाकर खा सकते हो। ये देखे थोड़ा सा फ्रेंड डोसा आपका ऊपर से सूखा सूखा हो जाए, थोड़ा सा तेल लगा लें इस तरीके से। गैस का फ्लेम फ्रेंड्स हाई करकर तवे को या पैन को घुमा घुमा कर इस तरीके से डोसे को सेक दें, जिससे कि चारों तरफ से डोसा हमारा बहुत ही अच्छे से सिक जाए। ये देखे फ्रेंड डोसे पर बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। डोसे को निकाल लेते हैं और बहुत ही आसानी से ये डोसा निकल जाते हैं। ये देखे कलर देखें आप कितना प्यारा सा आया है डोसे पर। ऐसे फ्रेंड सारे डोसे बनाकर जब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखे फ्रेंड इंस्टेंट मजेदार डोसे बनकर हमारे तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रिस्प डोसे बनाए। ये देखे फ्रेंड्स मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना क्रिस्प डोसा बना। आप इसको मजेदार चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हो। आप इसको ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, लंच में खा सकते हो, जब भी आपका दिल करे झटपट बनाए इन डोसों को और खाएं। हम डोसों को इंजॉय करते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।